नहीं नहीं हमारी पार्टी की विधायक भी हैं, हमारी छोटी बहन भी है, और जब स्वाभाविक है कि जब आपका भी कोई परिजन की यदि भगवान ना करे हत्या हो, या हमारे कोई परिजन की या हमारे कोई विश्वास साथी की कोई हत्या करेगा जो सुख दुख में साथ रहेगा, तो मन में वेदना और पीड़ा होना स्वाभाविक है। हम सारे लोग इंसान हैं, तो उनका भी नज़दीक का एक कार्यकर्ता की हत्या हुई है, तो वो भी दुखी है, वेदना में है, पीड़ा में है। और जब आदमी वेदना पीड़ा में होता है तो बहुत सारी बातों को कहता है, और जो उन्होंने वहाँ के आरक्षी उपाधीक्षक के बारे में कहा है, निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री भी गंभीर हैं, और यदि इस तरह की बातें हैं तो उस पर जरूर जो है सरकार गंभीरतापूर्वक विचार करेगी, इसमें कोई बट की बात नहीं है। लेकिन मन में वेदना पीड़ा तो होती है अपने लोगों के जाने की, इसलिए उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही है जो बात जो है सरकार के विरुद्ध हो। मन की वेदना पीड़ा तो हर आदमी को व्यक्त करने का उसका अधिकार है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।